दोस्तों नमस्कार, मैं मलय सामंत पूरी विनिंग टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं वेस्टीज के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट का, जो कि है हमारा डेंटाश्योर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट। जी हां, डेंटाश्योर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट जो कि वेस्टीज का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। बेसिकली आज हम डेंटाश्योर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट के साथ में कुछ कंपेरिजन डेमो करेंगे, ये मार्केट में मिलने वाले कुछ लीडिंग ब्रांड्स के साथ में। यहाँ पे हमने कुछ मार्केट में मिलने वाले कुछ लीडिंग ब्रांड्स को बीच में रखा है। आप भली भांति इन सभी ब्रांड से वाकिफ हैं, ये एक आयुर्वेदिक ब्रांड है जो आज की डेट में एक बहुत बड़ा नाम है, और कुछ ऐसे ब्रांड है जो हम सालों साल हम जिनको यूज करते आ रहे हैं, जिनके बारे हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो दोस्तों आज हम जो क्वालिटी टेस्ट करेंगे वो दो तरह से हम करेंगे। एक होगा हमारा स्क्रैच टेस्ट जो हम इस पॉलिथिन पेपर पे करेंगे। ये एक कलर्ड पॉलिथिन है जिसके ऊपर हम स्क्रैच टेस्ट करेंगे। वन बाय वन सभी टूथपेस्ट को इस कसौटी पर हम नापेंगे, और एक हम करेंगे इसके ऊपर सभी टूथपेस्ट के ऊपर एचसीएल टेस्ट। जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा एज अ फ्लोर क्लीनर, एज अ टॉयलेट क्लीनर। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये टेस्ट हम इस पे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम एक्स ब्रांड को ले लेते हैं। एक्स ब्रांड के टूथपेस्ट के ऊपर हम ये क्वालिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कुछ क्वांटिटी में हम इसको इस पॉलिथिन पे ले लेंगे। दोस्तों अभी करना क्या है, बेसिकली हमें 50 बार यानी 50 टाइम्स हमें इसको सर्कुलर मोशन में हमें रब करना है, जिस तरह से हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं। ये जो पॉलिथिन पेपर है, ये जो ग्रीन कलर है, ये हमारे दांतों के एनमल यानी कि दांतों की वो परत को जो शाइन होती है उस परत को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम देखते हैं कि ये जो टूथपेस्ट है ये इस एनमल के ऊपर किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ता है। तो आइए दोस्तों 50 टाइम्स गिने गए मेरे साथ में। 2, 3, 4, 5, 6 दोस्तों 50 टाइम्स हमने इसे रब किया। अब हम इसे एक सिंपल क्लॉथ से हम इसे रब कर देंगे, मिटा देंगे, वाइप कर देंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि ये जो एक्स ब्रांड का जो ये टूथपेस्ट है इसने किस तरह से हमारे इस ग्रीन कलर को बिल्कुल ही निकाल दिया, आप देख सक रहे हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों ये जो टूथपेस्ट है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने तीखे हैं, इतने नुकीले हैं कि वो हमारे दांतों के एनमल को भी धीरे 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 खरोंचता रहता है, स्क्रैच करता रहता है। और एक दिन वो एनमल जब हमारे दांतों से निकल जाती है तो वो हमें ठंडा गर्म लगना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये एक्स ब्रांड का हमने टूथपेस्ट यूज किया। अभी वाई ब्रांड के टूथपेस्ट के ऊपर आते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये क्वालिटी वाइज इससे बेहतर है। हम सेम क्वांटिटी का टूथपेस्ट ले लेंगे। अब इसे भी हम सेम कितनी बारी दोस्तों 50 टाइम्स हम इसे रब करेंगे। काउंट कीजिएगा। दोस्तों हमने रब कर लिया है, अब हम इसे सेम क्लॉथ से इसे वाइप कर देंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप कि इसने भी उसी तरह से इस ग्रीन कलर को निकाल बाहर फेंका है। तो ये भी हमारे दांतों के लिए उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, स्क्रैच कर रहा है। अभी हम तीसरे ब्रांड के ऊपर आ जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक आयुर्वेदिक ब्रांड है जेड ब्रांड। हम चेक करते हैं कि क्वालिटी वाइज ये कहां पे खड़ा होता है। हम फिर से एक बार सेम क्वांटिटी का टूथपेस्ट ले लेंगे।
अब हम इसे फिर से एक बार 50 टाइम्स हम इसे रब करेंगे, काउंट करते रहिएगा। तो दोस्तों 50 टाइम्स हमने इसे भी रब किया, आपने काउंट किया होगा। इसे भी हम वाइप कर देते हैं, देखते हैं कि इसके नीचे क्या आया है। दोस्तों देख सक रहे हैं आप कि इसने भी दांतों के एनामल को खराब किया है, कलर को फेड किया है। तो दोस्तों क्या कहें, ये भी हमारे दांतों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब चेक करते हैं डेंटाश्योर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट को कि ये इन सब के मुकाबले कहां पे स्टैंड करता है। सेम क्वांटिटी अगेन हम डेंटाश्योर की ले लेंगे, डेंटाश्योर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट, और हम इसे भी 50 टाइम्स, जी हां 50 टाइम्स हम इसे भी रब करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने काउंट किया होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने इसको 60 टाइम्स लगभग रब किया है। अब हम इसे भी वाइप कर देंगे और देखते हैं कि इसने क्या गुल खिलाया है। तो दोस्तों आप देख सक रहे हैं बिल्कुल साफ है कि डेंटाश्योर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट ने बिल्कुल भी आपके दांतों को नहीं खरोचा, कलर को बिल्कुल फेंट नहीं किया, जिससे प्रूव होता है कि डेंटाश्योर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट जो है, जिस तरह से हम कहते हैं कि इसमें वो पार्टिकल्स, तीखे पार्टिकल्स नहीं यूज किए जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उसको यूज किए जाते हैं, जिसके कारण आपके दांतों को चमकाते वक्त ये आपके दांतों को खरोचता नहीं है, जो कि बिल्कुल आपके दांतों के लिए सेफ है, बेस्ट क्वालिटी है। अब बारी आती है हमारे सेकंड टेस्ट की, जो कि मैंने आपको बोला था कि हम एक्सेल टेस्ट करेंगे, देखते हैं कि उस पर ये चारों टूथपेस्ट किस तरह से फेयर करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से डेंटाश्योर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट जो है वो हमारे स्क्रैच टेस्ट में बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास होता है। इसके बाद हम एचसीएल टेस्ट करेंगे दोस्तों, और एचसीएल टेस्ट हम ये चारों ब्रांड्स के ऊपर करेंगे। दोस्तों आप जानते होंगे कि हमारे जो सलाइवा है, यानी कि जो हमारा हमारे जो लार है, उसमें भी अलग अलग तरह के एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स भी एक तरह के केमिकल्स होते हैं। तो दोस्तों जब वो केमिकल्स, एंजाइम्स जब हमारे टूथपेस्ट के साथ मिक्स होता है, अगर वो टूथपेस्ट केमिकली रिएक्ट करता होगा, तो आप दोस्तों सोच सकते हैं कि वो हमारे दांतों में भी कितना बुरा प्रभाव छोड़ता होगा। दांतों में तो खैर बुरा प्रभाव छोड़ता ही है, उसके साथ में जब हम कोई भी चीज को खाते हैं या पीते हैं तो उसके साथ में हमारे पेट में भी जाता है, जो एक नुकसान और पहुंचाता है। तो हम देखते हैं कि क्या ये टूथपेस्ट किस तरह से एचसीएल के साथ में रिएक्ट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक्स ब्रांड का टूथपेस्ट, इसके ऊपर हम ट्राई करेंगे। ये हमने एक क्वांटिटी इसकी यहां पे डाल ली। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एचसीएल की कुछ ड्रॉप्स इसके ऊपर हम डालेंगे। देखते हैं रिएक्ट करता है कि नहीं। दोस्तों देख पा रहे हैं कितनी फास्ट ये रिएक्ट कर गया है। दोस्तों देखिए, ये बिल्कुल यहां पे आप देख पा रहे हैं कि बबल्स बन चुका है, ये फ्यूम्स में कन्वर्ट हो चुका है, बिल्कुल रिएक्ट कर चुका है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये जो टूथपेस्ट है, हमें लग नहीं रहा है कि इसको यूज करना चाहिए हमें। तो ये तो पहला हो गया। उसके बाद हम वाई ब्रांड के टूथपेस्ट को यहां पर हम चेक करेंगे। हमने सेम क्वांटिटी इसकी भी ले ली।
देखते हैं दोस्तों कि क्या इसके ऊपर रिएक्ट होगा। माफ कीजिए दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों, देखिए किस तरह से ये जो है HCl के साथ में किस तरह से ये रिएक्ट हो गया है। ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बबल्स में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूम्स बन रही हैं इसकी और बिल्कुल रिएक्ट कर गया जी। तो दोस्तों ये भी HCl टेस्ट में फेल हो रहा है हमारे। इसके बाद आते हैं तीसरे ब्रांड के ऊपर, आयुर्वेदिक ब्रांड। आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि एक आयुर्वेदिक ब्रांड में सिर्फ आयुर्वेदिक तत्व ही डले होंगे, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होना चाहिए। तो उस लिहाज से अगर देखें तो इस पे तो किसी तरह की केमिकल रिएक्शन होनी नहीं चाहिए। चेक करते हैं दोस्तों कि क्या इसमें सिर्फ आयुर्वेदिक तत्व ही डले हैं या कुछ केमिकल्स का भी प्रयोग हुआ है। हम सेम HCl को इसकी ऊपर भी डालेंगे। दोस्तों देखिए, देख पा रहे हैं आप कि बहुत बुरी तरह से ये रिएक्ट हो गए दोस्तों। तो हम कहना चाहेंगे कि इसमें सिर्फ आयुर्वेदिक तत्व नहीं है, कुछ केमिकल तत्व भी है जिसके साथ में ये रिएक्ट हो रहा है HCl, और बिल्कुल ये रिएक्ट कर चुका है दोस्तों। इसके बाद बारी आती है हमारे डेंटाश्योर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट की। देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या इसके ऊपर भी ये रिएक्शन होता है। तो दोस्तों HCl का प्रयोग हम इस पे भी करेंगे, सेम ड्रॉप्स। दोस्तों देख पा रहे हैं आप कि हमने काफी सारे ड्रॉप्स डाल दिए हैं लेकिन बिल्कुल भी ये रिएक्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहां पे प्रूव हो रहा है कि हमारा डेंटाश्योर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट जो है उसमें किसी तरह का भी कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है। यहां पे आप इन सबका हाल देख सकते हैं कि मैं कहूंगा कि हार्मफुल केमिकल्स नहीं मिलाया गया है जो कि HCl के साथ रिएक्ट हो, और बाकी सब में उस तरह के केमिकल्स हैं जो HCl के साथ रिएक्ट होते हैं और इवन हमारे सलाइवा के साथ भी ये रिएक्ट होंगे, और रिएक्ट होने के कारण ये हमारे लिए टूथपेस्ट जो है ये बेहतर साबित नहीं होते। तो दोस्तों कॉमन सेंस यूज कीजिए, बात क्लियर है। डेंटाश्योर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी दैट वी हैव इन इंडिया। बी सेफ, चूज क्वालिटी, चूज वेस्टीज डेंटाश्योर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट। थैंक यू वेरी मच।